नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो पहले प्रश्न क्या है उसको देख लेते हैं, उसके बाद हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न क्या है, रूट के अंदर 5 प्लस रूट के अंदर 11 प्लस रूट के अंदर 19 प्लस रूट के अंदर 29 प्लस रूट के अंदर 49 को सरल कीजिए। ठीक है, यह प्रश्न देखने में जितना कठिन लग रहा है सॉल्व करने में उतना ही सिंपल है। ठीक है, तो आपने इस प्रश्न को देखा, अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम इस टर्म को सॉल्व करेंगे। अब रूट के अंदर क्या लिखा है, 49। जब रूट के अंदर 49 लिखा है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा हमें 7, क्योंकि 49 का वर्गमूल क्या निकल के आता है, 7। तो हम सभी इक्वेशन को ज्यों का त्यों लिखते हुए यहां 5 प्लस यहां है 11, ये 19, ये 29 और 49 का क्या बन गया, 49 का बन गया 7। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 29 और 7 कितना हो जाता है, यह 36 हो जाता है। फिर से जीव का तुम लिखेंगे, 5 प्लस 11 प्लस 19 प्लस 36। ठीक है, अब इस 36 को सॉल्व करेंगे तो 36 का वर्गमूल क्या होता है, 36 का वर्गमूल होता है 6। तो लिख लेंगे यहां रूट के अंदर 5 प्लस 11 प्लस 19 प्लस 6। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 19 और 6 को जोड़ना है। तो दोनों को जोड़ देते हैं, यहां हो जाएगा 5 प्लस 11 प्लस रूट के अंदर कितना हो जाएगा, 25। अब 25 के जब हम वर्गमूल निकाल लेंगे तो क्या होता है, 25 का वर्गमूल 5। इसको सॉल्व कर देंगे, यहां पर है 5, यहां 11 और एक यहां से क्या आ गया, 5। 11 और 5 जोड़ेंगे तो कितना होता है, 16। तो यहां 5 और रूट के अंदर 16। 16 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो क्या वर्गमूल निकल के आता है, 16 का वर्गमूल निकल के आता है 4। रूट के अंदर हो जाएगा 5 प्लस 4, दोनों जोड़ के कितने हो जाएंगे, 9, और 9 का वर्गमूल क्या निकल के आता है, 3। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इतना बड़ा क्वेश्चन था, आंसर क्या आया, 3। ठीक है, आपने देखा कैसे सॉल्व किया, तो हमने इस साइड से इसको सॉल्व करते गए और हमारा आंसर मिल गया 3। यहां भी हम देखें तो यहां 49 लिखा था, आता 7, 7 29 में जोड़ते होता 36, 36 का बनता 6, 19 और 6 होता 25, 25 का होता 5, 11 और 5 होता 16, 16 से निकल के आता 4, और 4 और 5 होता 9, और 9 का वर्गमूल होता है 3। ठीक है, तो इसको हमने ऐसे सॉल्व कर दिया। तो प्रश्न हमारा है 0.09 गुणा 0.036 गुणा 0.016 गुणा 0.08 भागे 0.02 गुणा 0.008 गुणा 0.0002 को सरल कीजिए। ठीक है, इस प्रश्न को हमें सरल करना है। तो इसमें सबसे पहले हम काउंट करते हैं कि दशमलव कितने स्थान बाद है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ऊपर 11 अंक बाद है, और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 11 अंक बाद ही नीचे है। तो दशमलव से दशमलव तो पूरा कट जाएगा, तो हम सिर्फ जो संख्या की वैल्यू है उस अकेले को लिखेंगे। तो ऊपर से यहां क्या बचेगा, 9, यहां बचेगा 36, यहां बचेगा 16 और यहां बचेगा 8। नीचे से क्या बचेगा, यहां 2 बचेगा, यहां 8 बचेगा और यहां 2 बचेगा। बस अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, कैसे, 8 से 8 कट जाएगा, 2 से करेंगे तो 2 8 16 और 2 से करेंगे तो 2 चौकू 8, क्या बचा, 9 बचा, 36 बचा और 4 बचा।
इसके हम गुणनखंड निकालेंगे, 9 को लिखेंगे 3 गुणा 3, 6 को 36 को लिखेंगे 6 गुणा 6 और 4 को लिखेंगे 2 गुणा 2। अब बस इसको यहाँ से 3 एक बाहर आएगा, यहाँ से 6 एक बाहर आएगा और यहाँ से 2 एक बाहर आएगा। तो 6 3 18, 18 दूने 36, तो आंसर कितना निकल के जाएगा 36। ठीक है, तो आपको समझ में आया हमने इतने बड़े क्वेश्चन को कैसे ही आसानी से सॉल्व कर लिया। तो प्रश्न हमारा क्या है, यदि 2 की पावर n हो और रूट हो उसका बराबर 64 हो तो n का मान ज्ञात करें, यानी इस प्रश्न में हमें n की वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, अब इस 64 के हम गुणनखंड करेंगे, तो 64 की गुणनखंड करेंगे, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2, यानी कितने बन गए हैं, 6 बन गए हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, रूट 2 की पावर n बराबर 2 की पावर 6। ठीक है, अब रूट का मतलब क्या होता है कि 1/2 की पावर बराबर 2 की पावर 6। अब जब आधार समान है तो घातों को भी हम बराबर कर देते हैं, यानी n गुणे 1/2 बराबर क्या आ गया 6, तो n बराबर क्या आ जाएगा 6 गुणा 2, वहां पहुंच जाएगा 2, यानी n की वैल्यू क्या निकल के आई, n की वैल्यू निकल के आ गई 12 है। ठीक है, सिंपल सा प्रश्न था, हमने प्रश्न के गुणनखंड के लिए किए हैं, दोनों घातों को बराबर कर दिया है और हमारा आंसर मिल गया है n बराबर 12। प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न है कि एक माली 17,956 पौधे इस प्रकार लगाता है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितनी पंक्तियां हैं, एक पंक्ति में कितने पौधे हैं। ठीक है, अब हम ये मान लेते हैं कि माना कि x पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में x पौधे हैं। ठीक है, x पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में x पौधे हैं, तो अब कितने टोटल पौधे हो जाएंगे, x पंक्तियों में x पौधे बराबर, प्रश्न ने कहा है कितने पौधे लगने हैं, 17,956, x का गुणा जब x में होगा तो क्या आएगा, x स्क्वायर बराबर है 17,956, x बराबर क्या हो जाएगा, वहां पर स्क्वायर रूट लग जाएगा 17,956, यानी 17,956 के हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकालना है, तो 17,956 इसको हम 2 से पहले डिवाइड करेंगे, 2 से किया 8 बार जाएगा एक बचा, 9 बार जाएगा एक बचा, 7 बार जाएगा और फिर 8 बार जाएगा, फिर 2 से करेंगे, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, 2 नम 18, अब जाएगा 67 बार। ठीक है, और क्योंकि 67 का ही वर्गमूल होता है तो यहाँ 67 एकम 67 क्या निकल के आया, x बराबर 2 × 2 × 67 × 67, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 × 67, जब गुणा करेंगे तो 7 × 2 = 14, 6 × 2 = 12 = 13, यानी इतने पौधे हैं और इतनी ही पंक्ति हैं, तो क्या निकल के वैल्यू आई, x बराबर 134 आया, यानी 134 प्रत्येक पंक्ति में पौधे हैं और 134 ही पंक्तियां हैं। ठीक है, तो प्रश्न हमारा क्या है कि वह संख्या कौन सी है जिसका वर्ग 975 तथा 585 के वर्गों के अंतर के बराबर है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि माना संख्या x है। ठीक है, हमने उस संख्या को x मान लिया,
अब उसने कहा है कि वह संख्या कौन सी है, तो वह संख्या क्या है, x है, जिसका वर्ग, तो हमने संख्या का वर्ग कर लिया, ठीक है, 975 तो 975 लिख लिया, तथा 585 तो 585 लिख लिया, के वर्गों, तो इन दोनों को हमने वर्ग कर लिया, के अंतर, तो इनका अंतर निकाल लिया, के बराबर है, ठीक है। क्वेश्चन ने जो जो कहा हमने वह कर लिया, जिसका वर्ग 975 तथा 585 के वर्गों के अंतर के बराबर है, तो हमने इस संख्या का वर्ग किया, 975 का वर्ग किया, 575 का वर्ग किया, अंतर निकाल दिया और यहां पर बराबर लगा दिया, बस अब इसको हम सॉल्व कर देंगे और हमारा आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ पर 975 का स्क्वायर है और 585 का स्क्वायर है, तो एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो वो लगा देंगे, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में दोनों जुड़ जाएंगे और दूसरे ब्रैकेट में दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, ये हमने कर लिया। अब एक्स स्क्वायर बराबर क्या बचेगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 5 10, 8 7 15 और 1 16, 9 5 14 1 15, गुणा यहाँ क्या बचेगा, 5 में से 5 गया 0, 17 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा, 9, और यहाँ पर 8 में से 5 जाएगा तो 3, ठीक है। आगे सॉल्व कर देंगे, यहाँ आप इसके गुणनखंड निकाल लें, 156 के गुणनखंड निकालेंगे तो कैसे निकलेंगे, 2 2 4 4 3 12, 12 × 13 होता है, यहाँ 0 है तो इसका 10 लिख लिया, यहाँ 39 के करेंगे तो 3 × 13 और गुणा क्या हो जाएगा, 10। अब यहाँ एक्स स्क्वायर हटा के जब स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या लग जाएगा, वर्गमूल लग जाएगा, 2 × 2 × 3 × 13 × 10 × 3 × 13 × 10, इसके अब जोड़े बन जाएंगे, 2 का बन जाएगा तो 2 निकल आएगा, 3 का यहाँ बन जाएगा तो 1 3 निकल आएगा, 13 का बन जाएगा तो यहाँ से 13 है निकाल लेंगे, और 10 का बन जाएगा तो 10 निकाल लेंगे, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 13 3 39, 39 2 78, 78 का गुणा जब 10 में होगा तो क्या आ जाएगा, 780, यानी एक्स की वैल्यू निकल के क्या आई, एक्स की वैल्यू निकल के आई 780, ठीक है। तो उसने जो संख्या पूछी थी वह संख्या क्या निकल के आ गई, 780। प्रश्न क्या दिया गया है, प्रश्न है यहाँ पर अब क्यूब रूट लगा दिया है, यानी कि घनमूल लगा है, 4 सही 12 बटे 125 को सरल कीजिए, तो पहले तो हमें जो बटे में दिया गया है और तो उसको हमें तोड़ना है, यहाँ पर 3 रहेगा, यहाँ हमने किया 125 का जब 4 बार गुणा करेंगे तो 500 होता है, तो 12 उसमें जुड़ जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 512। अब ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं, नीचे वाले और इस बगल वाले का पहले गुणा करते हैं, तो 125 का जब 4 में किया तो आया 500, यानी इसका इसका गुणा, और इन दोनों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो जब जितना आया 125 गुणा 4 आया था 500, जिसमें 12 जुड़ के क्या हो गया, 512, और नीचे क्या बचेगा, नीचे जो है वही लिखा रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर 3 के पावर लगे, यानी ये घनमूल है, तो हमें 3 की संख्या में गुणनखंड निकालने हैं, 512 के गुणनखंड क्या होते हैं, 8 × 8 × 8, और 125 के क्या होते हैं, 5 × 5 × 5। अब यहाँ पर 3 जब लगा हुआ है तो हमें 3 के ही जोड़े बनाने हैं, तो ऊपर से क्या निकलेगा, 8, और नीचे से क्या निकलेगा, 5, यानी या तो इसका आंसर 8/5 दे सकते हैं, और ज़्यादा है तो डिवाइड कर दें, 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 × 5 दशमलव लगाएंगे, क्योंकि 3 बचा है, 30 हो जाएगा, 5 × 6 = 30, तो 1.6, यानी इसका आंसर 1.6 आ गया, ठीक है। तो यह घनमूल वाला सवाल था, घनमूल में हमेशा 3 के ही जोड़े बनते हैं, ठीक है। तो प्रश्न हमारा क्या है,
यहाँ पर पहले तो क्यूब रूट लगा है यानी कि घनमूल लगा है और फिर वर्गमूल लगा है। इसके अंदर है 0.000729 प्लस यहाँ भी घनमूल लगा है 0.008 को सरल कीजिए। यानी इस प्रश्न को हमें सरल करना है यानी सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इस वर्गमूल को सॉल्व करेंगे। यह घनमूल तो जैसा लगा है वैसा ही लगा रहेगा। अब इसको 729 के जब गुणनखंड निकालते हैं तो क्या निकालते हैं, 27 × 27 बराबर होता है 729। अब यहाँ पर दशमलव कितने अंक के बाद है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ठीक है, 6 अंक बाद दशमलव है तो क्या लिख देंगे, 0.027 × 0.027 यानी 3 अंक बाद यहाँ कर लिया, 3 अंक बाद यहाँ कर लिया और यहाँ वर्गमूल था तो वर्गमूल लगा लिया, प्लस जो यहाँ पर लिखा है वो ज्युपति वो भी लिखा रहने दिया ठीक है। अब एक जोड़े बन गए तो यहाँ पर एक जोड़ा बाहर निकल के आ जाएगा और वर्गमूल खत्म हो जाएगा। यहाँ पर घनमूल बचेगा 0.027 प्लस यहाँ भी घनमूल बचेगा 0.008। अब घनमूल है तो तीन के जोड़े बनाना है तो 27 को जब हम सॉल्व करेंगे 3 × 9 = 27 आता है और 1, 2, 3 अंक बाद दशमलव है तो क्या हो जाएगा, 0.3, 0.3 और 0.3। यहाँ 8 को सॉल्व करेंगे 0.2, 0.2 और 0.2 ठीक है। तो यहाँ से 0.3 निकलेगा, यहाँ से 0.2 निकलेगा, तो 0.3 प्लस 0.2 दोनों को जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, 0.5 ठीक है, तो 0.5 आंसर आ जाएगा। हमारा क्या है, रूट के अंदर 28 + 10√3 − 1/√7 − 4√3 का मान ज्ञात कीजिए ठीक है। हमें इस प्रश्न को सॉल्व करना है यानी इसको सरल करना है, इसका मान ज्ञात करना है। ये वाला जो प्रश्न जो क्वेश्चन है यह एसएससी पैटर्न का प्रश्न है ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पर 28 लिखा है, 28 को हम दो पार्ट में तोड़ेंगे, एक 25 करेंगे और एक 3 करेंगे ठीक है। 25 और 3 मिला के क्या होता है, 28 होता है। अब 10√3 है, इसको क्या लिखेंगे, 2 × 5, 2 × 5 = 10 होता है और √3 जीव का तो लिख दिया। इसको हमने थोड़ी तोड़ लिया है अपने हिसाब से, इसको भी ऐसे करेंगे −1/7 लिखा है, 7 को क्या लिख सकते हैं, 4 और 3 = 7। यहाँ पर 4 लिखा है, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 और यहाँ पर √3 तो पहले से ही था ठीक है। यहाँ तक हमने कर लिया। अब 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 को ले सकते हैं 5 का स्क्वायर, 3 को क्या ले सकते हैं, √3 का स्क्वायर, क्योंकि जब √3 और √3 का गुणा करते हैं तभी 3 बनता है और प्लस 2 × 5 × √3 माइनस यहाँ भी देख लेते हैं हम, यहाँ पर 4 लिखा है, 4 को हम 2 का स्क्वायर कर देंगे, 3 लिखा है, 3 को √3 का स्क्वायर कर देंगे माइनस 2 × 2 × √3 ये कर लिया। अब यहाँ पर क्या बनेगा, a² b² + 2ab और यहाँ पर a² b² − 2ab ठीक है। तो इसका हम फॉर्मूला लगा देंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ a की वैल्यू है 5, b की वैल्यू है √3 इसका स्क्वायर और रूट तो लगा ही था पहले से, माइनस यहाँ करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा a − b² ठीक है। ये सॉल्व कर लिया,
स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म, यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा 5 प्लस रूट 3 माइनस का बचेगा 1/2 माइनस रूट 3। अब नीचे रूट का निशान आया है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम हर का परिमेयकरण कर लेते हैं। तो कैसा होता है, किसी संख्या का गुणा हो जाएगा और साइन बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 प्लस रूट 3 बटे 2 प्लस रूट 3। तो यहाँ क्या था, 5 प्लस रूट 3 यहाँ से था माइनस, इसका एक में गुणा होगा तो 2 प्लस रूट 3। नीचे आप देखिए a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 4, माइनस रूट 3 का स्क्वायर होगा तो क्या आएगा 3। अब 4 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा, यानी यहां से बचेगा 5 प्लस रूट 3 और माइनस में बचेगा 2 प्लस रूट 3। अब इस माइनस को अंदर प्रवेश करा देंगे, यहां बगल को सॉल्व कर लेते हैं, क्या था हमारा 5 प्लस रूट 3 एक ब्रैकेट में था माइनस दूसरे ब्रैकेट में 2 प्लस रूट 3। अब यहां से 5 प्लस रूट 3 तो जीव का तो यहां हो जाएगा माइनस का 2 और माइनस का रूट 3, रूट से रूट कट जाएगा रूट 3 से, यहां 5 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा ए बचेगा 3, और यही इस प्रश्न का आंसर है। ठीक है, बहुत सिंपल था, थोड़ी सा यहाँ पर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि हम कैसे इसको तोड़े। हमने 10 को देखा था, 2 पंचे 10 और रूट 3, तो यानी इसको 5 के गुणनखंड करना है यहाँ पर रूट 3, तो ये हमारा 2ab की फॉर्म में बन जाएगा। ठीक, ऐसे यहाँ पर हमने किया और बस उसको सॉल्व कर दिया तो हमारा आराम से आंसर मिल गया 3। ठीक, प्रश्न क्या है हमारा, प्रश्न है रूट के अंदर 19 प्लस 8 रूट 3 बटे 7 माइनस 4 रूट 3 को सरल कीजिए, यानी इस प्रश्न को हमें सरल करना है। अब यह प्रश्न रूट वाला है तो इसमें हम देखते हैं कि क्या इसके ऐसे गुणनखंड हो सकेंगे कि इसमें फॉर्मूला बन जाए। तो 19 को हम दो पार्ट में तोड़ेंगे, कौन कौन में, 16 में और 3 में। 16 और 3 मिलके हमारा क्या होगा, 19 होगा, प्लस यहाँ पर तो 8 रूट 3 ही रहेगा। नीचे हम देखते हैं 7 है, 7 को हम कैसे तोड़ेंगे, 4 और 3 में, 4 और 3 3 मिला के क्या हो जाता है 7 हो जाता है, और माइनस का क्या हो जाएगा 4 रूट 3। अब इसको आगे बढ़ाएंगे, रूट जैसा लगा है वैसा ही लगा रहेगा अभी तक। 16 को हम क्या ले सकते हैं, 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब लगा है 3, 3 को हम ले सकते हैं रूट 3 का स्क्वायर। अब है प्लस का 8, 8 को क्या ले सकते हैं, 4 दूना 8, यानी 2 गुणा 4 दिया हमने, 4 दूना 8 हो गया, और यहां पर रूट 3 था तो गुणा रूट 3 लिख दिया। नीचे देखते हैं, नीचे यहां पर 4 है, 4 को क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 दूनी 4, प्लस 3 लिखा था तो यहां रूट 3 का स्क्वायर, प्लस अब यहां पर माइनस था तो माइनस लगा दिया, 4 है 4 को लिख दिया हमने 2 गुणा 2, रूट 3 तो इसके साथ में है ही। यहां तक हमने सॉल्व कर लिया, यहां तक आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे क्या करें, कैसा फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए वाला फॉर्मूला यहां पर बन गया, तो लगा देते हैं। ऊपर क्या बना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू है रूट 3, इसका स्क्वायर बन गया। नीचे कौन सा बना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है माइनस का रूट 3, और इसका हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, दोनों पे स्क्वायर लगा है तो हम होल स्क्वायर लगा लेंगे, यहां हो जाएगा 4 प्लस
रूट तीन बटे दो माइनस रूट तीन का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट आसानी से कट जाता है। जो बचा हम इधर सोल्व कर देते हैं, क्या बचा यहां से, ऊपर बचा हमारा चार प्लस रूट तीन और नीचे बचा दो माइनस रूट तीन। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करना है तो जब नीचे रूट आ जाता है तो हम क्या कर देते हैं, हर का परिमेयकरण कर देते हैं, कर दिया तो यहां पर क्या हो जाएगा, दो प्लस का रूट तीन और नीचे भी हो जाएगा दो प्लस का रूट तीन। अब ऊपर ऊपर का गुणा कर देंगे और नीचे नीचे का गुणा कर देंगे, चार का दो में होगा तो क्या आएगा आठ, प्लस चार का रूट तीन में होगा तो क्या आएगा चार रूट तीन, रूट तीन का दो में होगा तो क्या आएगा दो रूट तीन, रूट तीन का रूट तीन में होगा तो क्या आ जाएगा तीन। नीचे देखते हैं a माइनस बी और a प्लस बी वाला फॉर्मूला बनेगा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दो का स्क्वायर करेंगे चार आएगा और बी बी की वैल्यू कितनी है रूट का तीन, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा तीन, चार में से तीन जाएगा क्या बचेगा एक, ऊपर देखते हैं आठ यहां पर है और तीन यहां पर है तो क्या बच जाएगा ग्यारह, चार रूट तीन और दो रूट तीन दोनों को हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा छह रूट तीन, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं कि कैसे हमने सॉल्व किया, और आप इस वीडियो को तो देख ही रहे हैं तो आपको पता चल गया होगा हमने स्टेप बाय स्टेप बड़े ही आसानी से और बहुत ही धीमी गति से आपको समझाने की कोशिश की है। मैं आशा करता हूं कि आपको यह क्वेश्चन अवश्य समझ में आया होगा। प्रश्न हमारा क्या है, यदि रूट तीन बराबर 1.732 तथा रूट पांच बराबर 2.236 हो तो रूट आठ प्लस दो रूट पंद्रह का मान ज्ञात करें। किसका मान उसने हमसे पूछा है, तो यह मान उसने हमसे पूछा है रूट के अंदर आठ प्लस दो रूट के अंदर पंद्रह। ठीक है, इसका मान उसने हमसे पूछा है तो कैसे लगाएंगे इसको, इसको हम लगाएंगे आठ लिखा है, आठ को हम लिख सकते हैं पांच और तीन को जोड़ के, यानी पांच और तीन मिला के क्या होता है आठ, और यहां हो जाएगा दो। अब पंद्रह को हम क्या लिख सकते हैं, तीन गुणा पांच लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं, क्योंकि पांच तीन पंद्रह होता है और पांच और तीन को जोड़ दें तो आठ होता है। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं तो आगे क्या करेंगे कि यहां पर लिखा है पांच, अब पांच का हमें स्क्वायर के रूप में बनाना है तो हम लिख देंगे रूट के अंदर पांच का स्क्वायर। ठीक है, तीन लिखा हुआ है तो तीन को लिख देंगे रूट के अंदर तीन का स्क्वायर, प्लस यहां दो लगाएंगे, यहां रूट का तीन लिख देंगे और रूट का पांच अलग कर देंगे, दोनों को हमने अलग अलग रूट में लिख दिया। क्यों लिखा, क्योंकि यहां से हमारा एक फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये हमारा फॉर्मूला बन गया तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए की वैल्यू है रूट पांच, बी की वैल्यू है रूट तीन और इसका हो जाएगा स्क्वायर। अब रूट से स्क्वायर हो जाएगा खत्म, यहां से बचेगा रूट पांच और यहां से बचेगा रूट तीन, दोनों की वैल्यू हमें दी गई है, रूट पांच की वैल्यू क्या है 2.236, तीन की वैल्यू क्या है 1.732। ठीक है, इन दोनों को जोड़ना है, छह और दो मिला के क्या हो जाएगा आठ, तीन और तीन मिला के क्या हो जाएगा छह, सात और दो मिला के क्या हो जाएगा नौ, दो और एक मिला के क्या हो जाएगा तीन, यहां पे लगा देंगे दशमलव, यह हमारा हो गया आंसर। ठीक है,
आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, तो हमने कुछ नहीं किया इसको सॉल्व करने में, यहां से आपने देखा 8 को हमने 5 प्लस 3 के फॉर्म में लिख दिया, 15 को 3 गुणे 5 के फॉर्म में लिख दिया, यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab का फॉर्मूला लगा दिया, स्क्वायर रूट खत्म हो गए, रूट 5 प्लस रूट 3 बचा, दोनों की वैल्यू हमें दी गई थी, दोनों की वैल्यू हमने रख के जोड़ दी और हमारा आंसर मिल गया। ठीक, तो प्रश्न हमारा क्या है कि एक घनात्मक संदूक का आयतन 13.824 घन सेंटीमीटर है, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है। यानी कोई भी संदूक है और कैसा है, घनात्मक है यानी घन के टाइप का है, उसका आयतन दिया है, क्या दिया है, घनात्मक संदूक का आयतन बराबर है 13.824 घन सेंटीमीटर। ठीक है, घनात्मक कोई संदूक है जिसका आयतन दिया गया है 13.824 घन सेंटीमीटर। अब घन का आयतन, अब घनात्मक संदूक है तो घन का आयतन का ही फॉर्मूला लगेगा, क्या होता है, भुजा के ऊपर 3 की पावर, यानी भुजा का क्यूब बराबर 13.824। हमें चाहिए भुजा, तो भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे, यहां का हम पावर 3 की लगा हटाएंगे तो इस साइड लग जाएगी, क्या हो जाएगी 13.824। अब 13.824 के हम करेंगे गुणनखंड, तो 13,824 के गुणनखंड क्या होते हैं, किसका घन है, ये 24 का घन है, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, यहां तो 3 ही रहेगा, इसको लिख देंगे क्योंकि 1, 2, 3 के बाद पॉइंट लगा हुआ है, 3 अंक के बाद, तो हमने 2.4 × 2.4 × 2.4 लिख लिया, तो 1, 2, 3 अंक बाद हमारा दशमलव रहा, तीनों का गुणा करेंगे तो 13,824 हमें मिल जाएगा, यानी भुजा निकल के कितनी आ गई, भुजा बराबर अब 3 की पावर है, 3 का ही जोड़ा बना है, 2.4 और सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको हमें बड़े ही सिंपल तरीके से लगाना था, यह हमारा घनमूल वाले चैप्टर में भी आएगा और यह हमारा घन घनाभ वाले चैप्टर में भी प्रश्न आएगा, दोनों चैप्टर में से कहीं भी पूछ सकता है, तो यहाँ हमारा जो घनमूल वाला अभी चैप्टर चल रहा है उसमें हमने अभी इसको शामिल किया गया है, जैसा था कि घनात्मक संदूक था तो घन का आयतन का हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया जो होता है भुजा की पावर 3, तो जो दिया था उसको बराबर में लिख लिया, अब भुजा निकालनी है तो इसका क्यूब रूट लगा दिया और इसको हमने सॉल्व कर दिया तो 2.4 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।